हे गाइस, तुम्हारा स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में। हूँ शू लेमन, दुश्मन के लिए डायमंड, दोस्त के लिए हेवन। तो यार, आप लोगों के इतने कमेंट्स आ रहे थे कि लॉन्ग वीडियो लाओ, लॉन्ग वीडियो लाओ, लॉन्ग वीडियो लाओ। तो भैया आ गई फाइनली लॉन्ग वीडियो। और अगर रोज लॉन्ग वीडियो चाहिए तो इस पर 500 लाइक्स करो और नीचे कमेंट्स करके भी बताओ। तो फिर शुरू करते हैं इस गेम को। तो देखो यार, अगर तुम लोग मेरी वीडियो कुछ पहले से देख रहे हो तो तुम्हें पता होगा कि मेरे ऊपर से मनहूसियत के बादल अब छट रहे हैं और मेरे जीवन में आ गई एक नई रोशनी। नहीं, उस रोशनी की बात नहीं कर रही मैं। ले रोशनी की बातें की नहीं, और टीममेट की जिंदगी में अंधेरा छा गया। भाई मैं और मेरे टीममेट ना दोनों एक जैसे हैं। वो मेरे लिए मनहूस है और मैं उसके लिए। खैर अब जो भी है, जैसा भी है, तो टीममेट ना तो जा रहे हो एक नंबर को बचाने। देखो यार, एक नंबर को बचाना जरूरी है क्योंकि मेरी पूरी टीम में ये बंदा सबसे ज्यादा प्रो बनता है भाई। इसलिए पहले इसको रिवाइव दूंगी, फिर करूंगी इंतजार। अगर इसने खुद मेरी तारीफ की तो अच्छी बात है, और अगर नहीं की तो मैं तो खुद कर ही लेती हूँ। और वही राम, आसपास जरा देखकर तो बताओ, तुम्हें कोई प्रो नजर आ रहा है क्या? कोई कोई पीले रंग का, कोई मम्मी सूट पहने हुए हैं? खैर तुम्हारी नजर का पता नहीं, पर मुझे एक बंदे का फुट जरूर आ रहा। अभी इसको नॉक किया ही था कि तभी इसका दूसरा टीममेट भी आ जाता है। भाई इतना प्यार। नहीं 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 यार नहीं, जब कोई अपने दोस्तों पे मेहरबानी दिखाता है तो मुझे बड़ी तकलीफ होती है यार, क्योंकि मेरे वाले तो मुझ पर सिर्फ पहलवानी दिखाते हैं। खैर अभी वो देखने दिखाने की बातें छोड़ो और इधर देखो, आसपास फुट्स कई आ रहे हैं, लेकिन मैं सोचती हूँ पहले पेट ही लूट लूं, क्योंकि यार पता नहीं ना कि इस छोटे से शहर में कब बड़ी बड़ी बात हो जाए और मेरे साथ किसी की मुक्का लात हो जाए। और भाई मैं इसकी माँ, अरे तेरी भाई, ये ससुर आइंस्टीन कौन था बे? दिमाग लगा के मारा ये तो। खैर देखो, दिमाग मेरे अंदर भी है, लगाती नहीं वो अलग बात है, और प्रो मैं भी बहुत हूँ, हाँ दिखाती नहीं वो अलग बात है। पर यार देखो, अब पानी सिर से ऊपर जा चुका है। चल चल झूठी, दो दिनों से नहाई भी नहीं है। अबे ये सीक्रेट बातें बोलने की नहीं है, ठीक है ना? हेल्थ का तो हलवा बना दिया इस बहन के भैया ने। खैर देखो, बंदा लेकिन नॉक हो गया, कुछ भी कहो। लेकिन यार यहाँ पर एक और भी दुश्मन था जिसे चार नंबर ने एक ही बार में सपा चट कर दिया यार। और भाई उस बंदे का किल मुझे नहीं मिल सका, मुझे इस बात का उतना ही दुख है जितना भीख न मिलने पर भिखारी को होता है और कूड़ा न मिलने पर कबाड़ी को होता है। पर यार देखो, मेरे हर दर्द की एक ही दवा है, लूट। तो मैं इस बंदे की पेटी लूटने आती हूँ और तभी मेरे टीममेट्स मुझे कुछ दुश्मनों का पता बताते हैं। और इसलिए यार देखो, मैं भागी भागी जा रही हूँ। भाई उस बंदे को ऐसा उठा पटक के मारूंगी कि वो कहेगा लेमन आए मार दिया। भाई तो पता काहे बताया था बे। पर कोई बात नहीं, देखो कर्म इतने अच्छे से करना चाहिए कि फल झक मार के पास आए, और मेरा फल आ गया। अब यार इस लप्पू से बॉट को मार के मैं तुर्रम खान बनी रही थी कि तभी एक दुश्मन की लोकेशन पता चल जाती है। मैं क्या लाऊं भाई, कितने दिन हो गए किसी के फेफड़ों में आग नहीं लगाई, इसलिए मैं उस पर नेट करूंगी, क्योंकि यार दुश्मन सामने है, ये उतना ही बड़ा सच है जितना क्रश से बेइज्जत होना। पर खैर छोड़ो, देखो इज्जत वाले काम करते हो, बेइज्जती की बातें नहीं करते। ये गया मेरा नेट। लेमन, दुश्मन की हड्डियां तोड़नी है, खुद का भ्रम नहीं। लगता है नेड़े घटिया क्वालिटी का था भाई, पीछे कलुआ की परचूनी की दुकान से लिया था इसलिए बेकार निकल गया। दिक्कत कोई नहीं है, हम बंदूक चलाएंगे, है ना? बस एक बार दुश्मन मिल जाए तो उसका पिछवाड़ा फूलों सा खिल जाए। अरे ये छुपा हर वाला, देखो नॉक तो इसको कर दिया, लेकिन फिनिश इसको ऐसे नहीं करूंगी, मानसिक यातनाएं दूंगी मैं इसको। ले ले मानसिक यातनाएं ले। जल्दी टै बोल गया यार, झेलने की क्षमता कम थी इसमें। खैर कोई बात नहीं, देखो यार वहां से हम लोग निकल लिए, मतलब निकल लिए या निकाल दिए गए दोनों एक ही बात समझो, क्योंकि यार अभी तक कुल मिलाकर हुए मेरे 6 किल। और यार मैं 600 किल करने वाली बंदी, तुमको लगता है मेरा इससे कुछ होगा? ये कुछ है क्या? नहीं, अरे ऊपर कुछ जा रहा भाई। और क्या बोलती पब्लिक, बाप रे गोलियां तो मैंने चलाई, चार नंबर का नाम कैसे छप गया? ये कौन सा तंत्र सीख लिया चार नंबर तूने? एक नंबर नॉक हुई गवाह, कौनो बात नहीं भाई, फिनिश हो गया यार। अरे यार शिट, बहुत खतरनाक दुख है यार एक नंबर तुम्हारे मरने का। लाओ तुम्हारी पेटी ही लूट लूं, शायद कुछ दुख मेरा हल्का हो जाए। हाँ हाँ हल्का तो लग रहा है, काफी हल्का लग रहा है। खैर अभी देखो यार, इन सब दुश्मनों को मार दिया है और मेरा बदला भी पूरा हुआ है। जिस बंदे ने मुझे फिनिश किया था, मैंने उसको नॉक एंड फिनिश कर दिया है। मतलब एक सुपर हिट मूवी में जितने सीन होते हैं मैंने ज्यादातर समेट लिए हैं, अब बस एक चिकन डिनर और मिल जाए, जिसके लिए मैं ढूंढ रही हूँ दुश्मनों को। अब बाकी सिर्फ एक दुश्मन, और इसको मैंने यहाँ भी ढूंढा, वहाँ भी ढूंढा, और न जाने कहाँ कहाँ ढूंढा, पर वो मुझे मिला यहाँ चार नंबर के साथ हुल्ला हो करते हुए। तो फाइनली वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करो, सब्सक्राइब करना। बाय।